भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा निर्वाचन 2024 कार्यक्रम अंतर्गत चौथे चरण में लोकसभा क्षेत्र देवास के लिए विधानसभा देवास सोनकच्छ हाटपिपलिया और खंडवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बालगी विधानसभा में 13 मई को मतदान होना है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में विधानसभा देवास सोनकच्छ हाटपिपलिया और बागली में शत प्रतिशत मतदान के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषभ गुप्ता तथा सीओ जिला पंचायत एवं नोडल स्वीप अभियान हिमांशु प्रजापति के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान गतिविधियों के तहत चले बूथ की ओर अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत देवास में सियाजी द्वार से भोपाल चौराहा तक मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान की अपील की गई। मतदाता जागरूकता रैली में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, सीओ जिला पंचायत हिमांशु प्रजापति सहित अन्य अधिकारी, छात्र छात्राएं एवं नागरिक गण शामिल थे। जैसा की हम जानते हैं की 13 तारीख को देवास पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और अगर देवास जिले की बात करें तो खंडवा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बागली असेंबली में चुनाव है, उसके अंतर्गत अंतिम 48 घंटे का दौर चालू हो गया है। हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि सभी काम छोड़कर 13 तारीख को आएं और वोट डालें। इसके अलावा सभी मतदाता यह बात सुनिश्चित करें कि माननीय आयोग के द्वारा 12 दस्तावेज बताए गए हैं जिनके आधार पर आप वोट डाल सकते हो, तो 12 में से जो दस्तावेज आपके पास है आप वो दस्तावेज लेकर आए। हमारे जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा जैसे कि पीने का ठंडा पानी, कूलर, छाँव की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, व्हीलचेयर की व्यवस्था हर प्रकार से की जा चुकी है। आप सब आए और वोट अवश्य डालें। धन्यवाद। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। नीमच जिले के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार है। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है मताधिकार और के माध्यम से चुनाव करना है, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। हम सब लोगों को लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने और अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। नीमच जिले में पिछले विधानसभा इलेक्शन में आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और हमारे ज़िले का मतदान प्रतिशत 84% रहा था, जो कि एक रिकॉर्ड था। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आगामी 13 मई को लोकसभा का मतदान होना है। आप सभी नागरिकों ने नीमच में कई क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर नीमच को प्रथम स्थान पर लाए हैं, चाहे वो अंगदान हो, नेत्रदान है, रक्तदान है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मतदान में भी आप नीमच को नंबर एक बनाने में 13 मई को आवश्यक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भाग लेकर अपने अधिकार का उपयोग करें, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें और नीमच का नाम जो है प्रदेश में अधिकतम मतदान प्रतिशत वाले जिलों में शामिल करने में सभी लोग इसमें मदद करें। मेरा सभी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी और अन्य सभी जो चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी आवश्यक रूप से मतदान करें और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इसमें भाग लेकर जरूर इसमें भाग लें। धन्यवाद। जय हिंद।